Hello everyone, welcome back to Admission Trust Line. I love this site and today we are back with a very interesting topic, that is, who are psychologists? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या होता है। लोगों के माइंड की एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ऐसे पर्सन जो कि अपने क्लाइंट्स के बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं एंड उनके नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं, उन्हें साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स के रिएक्शंस, इमोशंस एंड बिहेवियर को नोट डाउन करते हैं, उसे स्टडी करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। ये ट्रीटमेंट थेरेपी एंड काउंसलिंग पर बेस्ड होता है, ना कि मेडिकेशन पर, और इसीलिए बदलते टाइम के साथ इस प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस को समझा जाने लगा है एंड इसीलिए इस फील्ड में जो स्कोप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर इस कोर्स को लेके क्रेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और यही रीजन है कि साइकोलॉजी अब मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आने लगा है और इसका एरिया इतना वाइड है कि आप चाहे साइकोलॉजी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं एंड आप मिलिट्री और एविएशन साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास काफी सारे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।